शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तूने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या बकवास कर रही हो? इन तस्वीरों को देखने के बावजूद तुम्हारी मक्कारी पे मुझे यकीन नहीं। आज तक मैं समझता था कि चाचा जी का खून मेरे हाथों हुआ है। एसीपी साहब, हम प्रेस वाले ये जानना चाहते हैं कि पुलिस वालों को कैसे शक हुआ कि रामकुमार सक्सेना ने खुदकुशी नहीं की। अदल से दो दिन पहले मेरी रामकुमार सक्सेना से मुलाकात हुई, अच्छा खासा आदमी लगा। एक पल भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये आदमी जिंदगी से या बीमारी से तंग आकर कभी खुदकुशी कर सकता है। हंस रहा था पर अचानक उसकी खुदकुशी की खबर सुनने के बाद शक हुआ और हमने उसके कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। कैसे? हमने एक मनगढ़ंत प्रेम कहानी बनाई जिसका हीरो रोहित नाम का एक कैरेक्टर था जो सीमा से प्यार करता था, और रोहित की मौत की खबर सुनने के बाद सीमा को सदमा पहुंचा और वो कोमा में चली गई। अब ये जो सीमा का रोल है वो मेरी बेटी इंस्पेक्टर सीमा ने किया, और मैंने एक भिखारी गरीब मजबूर बाप का रोल किया, आपने डॉक्टर का रोल किया, आप खड़क सिंह बने थे, आपने मेजर का रोल किया, ये मिसेस गायकवाड़ बनी थी, और अनवर जो मरे हुए रोहित का दोस्त था। अमर सक्सेना ने इस कहानी को सच मान लिया और वो सीमा को नई जिंदगी देने के लिए रोहित बनने को तैयार हो। लेकिन उस खत का क्या हुआ जो खुद रामकुमार सक्सेना ने खुदकशी से पहले लिखा था? वो खत ही था जिसकी बदौलत हमारी छानबीन शुरू हुई, और मेरा शक यकीन में उस वक्त बदला जब अमर से सीमा ने अपने ही क्रेडिट कार्ड पर अपनी सिग्नेचर की नकल करवाई। जो इंसान बिना प्रैक्टिस किए किसी की सिग्नेचर की हूबहू नकल कर सकता है, वो अपने चाचा की जायदाद हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। सर, इस केस में अहम भूमिका निभाने वाली मिस सीमा का इस कॉन्फ्रेंस में ना आने का कारण क्या है? डैडी, जिन हालात में अमर के हाथों अपने चाचा का खून हुआ तो क्या गलत हुआ? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप अमर की जगह होते और मेरी इज्जत पर बराती तो जज्बात में आकर आप क्या करते? मैं जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता, अपने जुर्म का इतराफ करता, मगर अमर ने फरेब किया, धोखा किया। उसने एक मरे हुए इंसान की लिखाई की नकल की, उसके मर्डर को खुदकुशी साबित किया, और कानून को धोखा देकर समाज में इज्जतदार इंसान बनकर रहने लगा। That's a bloody crime. He's a criminal. वो मुजरिम है। उस मुजरिम को ऐसी सख्त सजा दिलाऊंगा ये उसकी आत्मा का फुटे की, याद रखना। Okay. I wish you all the best, sir. एक तरकीब है जिससे मैं अमर को कम से कम फांसी की सजा से तो बचा ही सकता हूँ। कौन सी तरकीब वकील साहब? मुझे ऐसे सबूत और ऐसे गवाह इकट्ठे करने होंगे जो ये साबित कर सकें कि अमर के दिमागी हालत ठीक नहीं है, और कत्ल करते वक्त वो अपने होश और हवास में नहीं था, या यूं कहिए कि अमर पागल है। योर ऑनर, अमर को फांसी के फंदे से बचाने के लिए ये मेरे काबिल दोस्त की एक चाल है जिसके तहत इन्होंने इसे पागल करार देकर अदालत में खड़ा कर दिया है। योर ऑनर, मैं अमर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? हाँ तो अमर। हाँ तो वकील साहब। ये बताओ, तुमने अपने चाचा का कत्ल क्यों किया? ऐसी बात करते हैं आप वकील साहब, चाचा और भतीजे का रिश्ता तो वैसा होता है जैसे अंडरवेयर एंड नाड़ा। द रिलेशनशिप ऑफ अंकल एंड नेफ्यू इज लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ अंडरवेयर एंड नाड़ा। अंडरवेयर इज बिग, hence it is uncle, nada is small, hence it is nephew. No underwear in this world can live without nada, and no nada in this world can live without underwear, because they are inseparable, they love each other, they are incomplete without each other, that's why they have to live together. ek saath dhobi ghat par dhulne ke liye jate hain, ek saath sukte hain, aur dobara maile hokar dhobi ghat par chale aate hain. Underwear aur nada se duniya ko ekta ka sabak lena chahiye. Chacha saab, main vakil saab se poochta hoon, क्या आपने अंडरवेयर पहनी है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अंडरवेयर पहनी है कि नहीं? बिल्कुल पहनी है। अगर आपने पहनी है तो आप अपने घर में जाकर चेक कीजिए और अपने अंडरवेयर से पूछिए क्या वो नाड़े के बगैर रह सकती है? नहीं,
वो छत से नीचे गिर जाएगी। और आप अपने नाने से पूछिए क्या वो अंडरवेयर के बगैर रह सकता है। अगर अंडरवेयर ही नहीं पहनी है तो नाला पहनने का फायदा क्या है। मैं आपसे पूछता हूं वकील साहब, आप भूल रहे हैं कि आप भी किसी की अंडरवेयर हैं और आपका भी कोई नाड़ा है। जज साहब, आप इस नाड़े को देखिए, आपको लगता है कि यह नाड़ा अपने हाथ से अपनी अंडरवेयर का गला घोट देगा। ये लोग मुझ पर फजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं जज साहब। मैं सच कहता हूं, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैंने किसी अंडरवेयर का कत्ल नहीं किया है। ये नाड़ा बेकसूर है जज साहब, ये नाड़ा बेकसूर है जज साहब। I object, Your Honor. आप एक घटिया किस्म की अंडरवेयर है। आप नाड़े के जज्बात को नहीं समझ सकते वकील साहब। I object, Your Honor. आप भगवान अंडरवेयर और नाड़े की बात करके अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मिनॉर्ड, ये अदालत की तौहीन नहीं है बल्कि एक मासूम इंसान की जिंदगी को तबाही से बचाने की कोशिश हो रही है। पागल इंसान के लिए कोर्ट की इज्जत क्या और कोर्ट की बेइज्जती क्या। मैं तो आपसे अर्ज करता हूं कि ऐसे मासूम इंसान को मुजरिम कैसे साबित किया। योर ऑनर, ये दोनों पार्टी पागल हो गई है। मेरे हिसाब से ये दोनों पार्टी को अंडरवेयर और नाला पहनाकर पागल खाने भेज देना चाहिए। यह अदालत तब तक मुलतवी की जाती है जब तक अमर की दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, और यह अदालत अमर को पागल खाने में रखकर उसका इलाज करने का हुक्म देती है। आप तो जानती हैं कि सक्सेना साहब के सारी जायदाद का वारिस अकेला अमर ही है। कितनी हैरत की बात है कि जिस चाचा का अमर ने कत्ल किया उन्होंने मरने से पहले ही अपनी सारी जायदाद अमर के नाम कर दी थी। मेरा जायदाद अमर के नाम हो गई है। मैंने उसे आज तक इसी दिन के लिए जिंदा रखा था, लेकिन अब उसका मर जाना बहुत जरूरी है। वैसे भी पागलों की जिंदगी क्या जिंदगी होती है, वो किसी के काम के नहीं होते। खासकर ये पागल तो धरती का बोझ है। बोझ बोझ उतर जाएगा। पैसा फेंक, तमाशा देख। अमर नाम का आदमी है, उसे जहर है। नहीं सब नहीं, मेरी नौकरी का सवाल है। मशहूर समाज सेवक और केंद्र मंत्री श्री शैतान सिंह हमारी अदालत में हाजिर हो। सलाम मंत्री साहब। मंत्री जी सलाम। शैतान सिंह जी सलाम। शैतान जी सलाम। एक मिनट। शैतान मंत्री जी, मेरा पहला सवाल है कि आप हमेशा अपने साथ ये कुर्सी लेके क्यों घूमते हैं? सारा लफड़ा झगड़ा जो है वो कुर्सी का ही है ना, तो कुर्सी कैसे छोड़ दें? कुर्सी के मामले में हम अपनी पत्नी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। हमारे इलाके में जाड़े में खटिया कम सरकती है, कुर्सी ज्यादा। कोई ढंग का सवाल पूछिए, पागल मत समझिए हमको यार। मंत्री जी, आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत है। क्या, 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 क्या? आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत हैं। ये आरोप नहीं है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारी इमेज खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपोजिशन वाले चाहते नहीं है कि हम इलेक्शन में जीत पाए, इसलिए सब हमको कहते हैं कि ये ईमानदार है, ईमानदार है। और हम जनता से इस साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हमारे जैसा भ्रष्ट और चालू नेता इस देश में पैदा नहीं होगा। तुम कहीं को बैठ गए यार? हमारे पक्ष के उम्मीदवार बैठ जाए ये हमको पसंद नहीं है। हम थूके ना थूके, तुम डब्बा पकड़े रहो। मंत्री जी, हमने तो यहाँ तक सुना है कि जब आपको खेल कूद का मंत्री बना दिया गया तो आपने खेल कूद की तरक्की के लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा कैसा कह रहे हैं आप, ऐसा कैसा कह रहे हैं? अब हाकी को ले लीजिए, हाकी में जो गड़बड़ हो रहा था हमने चेंज कराया। 22-22 तगड़ा तगड़ा लोग यह बड़ा बड़ा डंडा लेकर एक नन्ना सा गेंद के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा लगता था, अच्छा नहीं लगता। दुनिया भर का झगड़ा होता है, एक गेंद के पीछे पड़ जाते हैं। हमने उसको चेंज कराया, हमने कहा कि हर एक खिलाड़ी को उसका अपना गेंद दे दिया जाए, अपना गेंद पकड़ कर खेलता रहे, खेल का खेल होता रहेगा और गोल भी ज्यादा होगा।
और डेढ़ डेढ़ घंटा खेलता रहता है, एक गोल नहीं होता। आज तो हम मंत्री महोदय जी को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे। ये लीजिए मंत्री महोदय जी। हम किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के हाथ का दूध नहीं पीता हूँ। अमर, एक मिनट। झुलनी का रंग गड़बड़ हमार पिया, झुलनी का रंग गड़बड़ हमार। अमर, तुम यही समझते हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि वो धोखा नहीं, मेरा फर्ज था, और उसी फर्ज को निभाते निभाते मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लग गई। रियली? हाँ, एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस लड़के ने लड़के का दिल मांगा तो मालूम उस लड़के ने क्या किया? अपना सीना चीर के दिल निकाल के उस लड़की के हाथ में रख दिया। तो जानती हो उस लड़की ने उस दिल के साथ क्या किया? तुमने भी ऐसा किया ना उसके साथ? चलेगा मेरा शैडो साथ होगा तू जहां मेरा अंगन है, मैं तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी है, लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी। आप लोग जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी से। हुजूर आप जाइए प्लीज। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अमर, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ, तुम्हारी जान को खतरा है। आगे भी खतरा पीछे भी खतरा। अमर, तुम्हें मार डालने की कोशिश की जा रही है। जो दूध का ग्लास तुमने फेंका था उसमें जहर मिला हुआ था, जहर। अमर, ये तुम्हारे पीछे बहुत गहरी चाल रची जा रही है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। आखिरी लोग कौन हो सकते हैं? एक हमदर्द होने के नाते मैं तुम्हें। इंस्पेक्टर सीमा और हमदर्द, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों। शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि तुमने तो हमेशा मेरे वफाओं के आसमा को फर्ज की बादलों से ढका देखा है। इस दौर में वफाओं की उम्मीद जिससे की, आकर उसी के हाथ का पत्थर लगा मुझे।
यहां मेरी वफादारी का सबूत। एक कुंवारी लड़की के लिए अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, और मैंने अपनी इज्जत तुम पर निछावर कर दी है सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं एक लड़की भी हूं जो तुमसे बहुत प्यार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा मंत्री जी, उस पेशेंट को अंदर भेजो। यस सर। भाई साहब, भाई साहब, साहब ने बुलाया आपको। तुम यहां हॉस्पिटल में क्यों चले आए? मुझे यहाँ कोई मजबूरी खींच लाई है। 48 घंटों में मुझे किसी को 1,00,000 रुपया देने का है। तुम्हारी अय्याशियों को पूरा करने के लिए यह कारोबार खोल कर नहीं बैठा हूं मैं। जो काम मैंने तुमसे करवाया था उसका दाम दे चुका हूं। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहां नहीं आना। गेट आउट। अन्ना साहब, एक बार फिर सोच लीजिए, मुझे उन पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। 1,00,000 रुपये। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो मैं तो फंसूंगा ही, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। रही 1,00,000 रुपयों की बात, तो अमर की जायदाद मेरी होने के बाद मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा, लेकिन मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। सुनो लोगो, मैं डॉक्टर हूं। ऑपरेशन के औजारों के साथ साथ और भी बहुत कुछ है मेरे पास। लोगों को तंदुरुस्ती और जिंदगी की सलामती के मशवरे देता हूं मैं। तुम्हें भी जिंदगी की सलामती का एक मशवरा दे रहा हूं। आइंदा ना यहां कदम रखना और ना ही मुझसे रुपयों की डिमांड करना। ठीक है खन्ना साहब, बड़ी उम्मीद लेके तुम्हारे पास आया था। लगता है कोई दूसरा दरवाजा खटकना पड़ेगा। तुम नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। ये देश का क्या हाल हो रहा है यार, चारों तरफ वाट लगी हुई है। मुझे यही मालूम करने का था कि तुम पागल नहीं है। पागलपन का नाटक कर रहा है, और यह पागलपन का नाटक तुम अपना अंकल का मर्डर का सजा से फांसी से बचने के लिए कर रहा है। लेकिन तुमको ये सुनकर बहुत शौक लगेगा कि वो मर्डर तुमने किया, कोई और किया। कौन है वो? किसने किया मेरे चाचा का कत्ल? कल रात 12 बजे शो खत्म होने के बाद हाईदास हॉल में मैं सारा सबूत और एविडेंस के साथ तुम्हारा वेट करेगा, जो तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा सकता है। किस तरह के सबूत है वो? सिवाय रुपयों के तुम्हारे साथ और कोई नहीं होगा। एंड रिमेंबर, 1,00,000 रुपी, 1,00,000, वो पहुंच लो। मैंने आपका केस पूरा स्टडी किया है। थैंक यू सर। और मुझे लगता है योर ऑपरेशन आई विल डू इट ऑन मंडे। ओके सर, एज यू विश। अमर, तुम? अंकल, अंकल घबराइए मत। अपने आप को फांसी के फंदे से बचाने के लिए मुझे पागल बनना पड़ा। मैं पागलखाने से भाग कर आया हूं। आओ आओ, बैठ कर आराम से बात करते हैं। अंकल, हम लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या? आज तक मैं समझता था कि चाचा जी का खून मेरे हाथों हुआ है, मगर आज मुझे एक आदमी मिला जो चाचा जी के असली कातिल को जानता है। कौन है वो असली कातिल? ये उसने नहीं बताया, क्योंकि उसे 1,00,000 रुपए की जरूरत है।
रुपए मिलते वो सब कुछ बता देगा अंकल। वो जो कुछ भी है तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल नहीं अंकल, मुझे उसकी बातों से लगता है कि वो इस मर्डर केस के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर मैं उसको पैसे दे दूंगा तो सब कुछ बता देगा। मैं घर भी गया था मगर पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा। अंकल मौसी के बाद अगर मेरा कोई अपना है तो आप है। अगर आप मुझे लाख रुपए दे दें तो मेरी जान बचाने का यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अंकल प्लीज। नहीं प्लीज कहकर मुझे शर्मिंदा मत कर। पैसा क्या तुझसे ज्यादा है क्या? अरे तुझे बेगुनाह साबित करने के लिए 1 लाख तो क्या, मैं अपनी सारी जायदाद लुटा दूंगा। ये ले। थैंक यू। लेकिन कहां बुलाया उसने तुझे? हाइदा हॉल में रात को 12 बजे के बाद। हाइदा हॉल में रात को 12 बजे के बाद 1 लाख रुपए के साथ? नहीं नहीं बेटे, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। अंकल उसकी पहली और आखिरी शर्त ही यही है कि वहां पर मेरे साथ कोई और नहीं होना चाहिए। ओह आप मेरी परवाह मत कीजिए, मैं देख लूंगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखना बेटे। अपना ख्याल रखना बेटे। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं 1 लाख रुपए लेकर आ गया हूं। अब मुझे बताओ कि मेरे चाचा जी का असली कातिल कौन है। सुनो मैं बड़ी मुश्किल में हूं, प्लीज प्लीज। उस तरफ देखो उस तरफ। हाँ? अभी अभी हुआ है, कातिल यही कहीं होगा। थिएटर को चारों तरफ से घेर लो। भैया We'll be right back.
से हम लोग कातिल को ढूंढ रहे हैं। एक घंटा हो गया, मुझे नहीं लगता वो हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर वो यहाँ पर होता तो मिलता ना। मुझे तो लगता है कि वो हमारे आने से पहले ही निकल गया है। आपको नहीं लगता? सलाम सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। क्या बात है कमिश्नर साहब, पोस्टमार्टम के लिए आप खुद तशरीफ लाए? क्या बताएं डॉक्टर साहब, ये जो लाश के सर में गोली लगी है, ये गोली मुझे बहुत दूर तक पहुंचा सकती है, इसीलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो आइए पहले कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। वो सीमा करेगी। सीमा, यू गो एंड डू द इंटरव्यू। आइए, तुम कागजी कार्रवाई करो, मैं तब तक जरा। भूल गया। ओह, ये रही कैब। क्या हुआ डैडी? मैं इस लाश के मुंह पे कपड़ा ढांक के गया था। कपड़ा हट कैसे गया? फैन चल रहा है, फैन से कपड़ा भी तोड़ सकता है। राइट यू आर, वेरी इंटेलिजेंट। कम। भाई साहब जरा ये देखिए, ये राखी आपने बनाई? नहीं, मुझे नहीं मालूम। जरा गौर से देखिए, शायद आपके किसी दोस्त ने बनाई। नहीं, हमको नहीं मालूम। अरे भाई, हाय, इधर बगा, ये राखी ही तुम्ही बनो लेगा? आमी नहीं बनाओ लेगा। कौन बनो सकता? माहिती का? माहिती नहीं। अरे बर, क्या आप बता सकते हैं इस राखी में जो गुदा हुआ नाम है? हे मड़ापन टैटू बनाओ ना। अरे जरा एक मिनट थाम आप, प्लीज एक मिनट। ये इसमें नाम जो गुदा हुआ, ये कौन कौन? ये टैटू सिवाय पांडे के और कोई नहीं बना सकता बाबूजी। ये पांडे मिलेगा कहाँ पर? सोरागोन पेड़ों के नीचे। एक नंबर का आलसी और कामचोर आदमी है बाबूजी। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि आप लोगों में से पांडे कौन है? पांडे? अरे यही पांडे है भैया, देख रहे हो? मगर बात का है, बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो। ये जरा देखेंगे आपने, ये राखी इन्होंने बनाई है। मीना? अरे ये तो मीना ने लोगों के शरीर पर पांडे से बनवाया था। आप मीना को जानते हैं? अच्छी तरह। इन्हें समझाइए ना भैया जी, मेरा मीना से मिलना बहुत जरूरी है। अरे कहा मीना मीना लगाए रखे हो भैया, और वो भी ऐसे आदमी से कह रहे हो। दो ही मिनट पहले कुत्ता इनका मुंह गीला कर गया, कुत्ते को तो भगाया नहीं गया। अब कुत्ता भगाने का तकलीफ कौन करता भैया? सुन लिया, आज इनकी मंगनी है और आलस चांपे हुए हैं इनको। आज इनकी मंगनी? जी। तो इनकी मंगनी में मीना तो जरूर आएगी। जरूर आएगी। हेलो डॉक्टर खन्ना हियर। मैं लोबो की बहन मीना बोल रही हूँ खन्ना। उस लावारिस चर्सी की अचानक बहन कैसे पैदा हो गई? लोबो मेरा सगा भाई नहीं था, मगर सगे भाई से बढ़कर था वो मेरे लिए। फोन क्यों किया? भौंक मत खन्ना,
तूने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। क्या बकवास कर रही हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो मेरे पास वो भी है जो ये साफ जाहिर करते हैं कि सक्सेना का कातिल कौन है। मेरा भाई एक खत और कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास छोड़ गया है जो अमर को फांसी से बचाने के लिए काफी हैं। बस यही बताने के लिए मैंने तुझे फोन किया है खन्ना, कि मैं ये सब सबूत पुलिस के हवाले करने जा रही हूँ ताकि वो बेगुनाह अमर बच जाए। अरे नहीं नहीं मीना दीदी, तुम जो समझ रही हो ना वो मैं नहीं हूँ। राखी की सौगंध, अरे लोबो की बहन मेरी बहन, लगता है भाई बहन के बीच में किसी ने गलतफहमी पैदा कर दी है। मुझे तुम्हारा एड्रेस दो, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैं कुत्तों से मिलना पसंद नहीं करती। कुत्ता? क्या? अरे लोबो की बहन मुझे कुत्ता बोल गई वीरा। अब कुत्ता काटेगा नहीं तो कुत्ते को कुत्ता कौन कहेगा? समझ गया? समझ गया डॉक्टर। ऐसा फेक तमाशा देख, भंग पिलाने का लालच दे के हमको यहाँ लाकर बिठाए दिए। बम बोले बम। अब एक काम करो। बोलो भैया। तनी की गिलास हमरे हाथ से लेके नीचे रख दो। जरूर, लेकिन लेकिन मीना आ जाएगी। कब आएगी राजा? आ जाएगी बिटुआ मेरे लाल। चल बिटुआ, लड़की इंतजार कर रही है, ले उसे अंगूठी पहनानी है, है? अब कौन पहनाएगा अंगूठी? अरे भैया तुम हमरे नए नए दोस्त बने हो, हमरा एक काम कर दो, तुम्हें अंगूठी पहनाए के मंगनी कर ले। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए, 10 साल हो गए इसको समझाते समझाते, ऐसी सुशील लड़की बार बार नहीं मिलेगी, ऐसा मौका मत गवाओ बिटुआ। अरे इसको समझाओ। समझाए समझाए। भैया मंडली आयु कहाँ है? अरे हमको मीना के पास जाने दो वरना लफड़ा हो जाएगा यार। है डरो नहीं, बिल्कुल मत डरो। दरअसल बात यह है कि खन्ना साहब की कोई चीज तुम्हारे पास गलती से आ गई है। लाओ वो हमें दे दो, लाओ वो हमें दे दो। Thank you.
वो सारे सबूत हैं जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकते हैं। तुम इसे बिल्कुल सही वक्त पे लाए हो अमर। नर्स, वार्ड बॉय, नर्स जल्दी से इसे आईसीयू में ले जा, जल्दी से, जल्दी जल्दी, जल्दी। चलो अमर चल कर कॉफी पीते हैं। खन्ना अंकल वो रिलैक्स अमर रिलैक्स, चल। खन्ना अंकल वो रिलैक्स अमर रिलैक्स, वी आर डूइंग द नीडफुल, कॉफी पियो। डॉक्टर साहब लड़की मर गई। मीना, मीना नहीं, मीना तुम नहीं मर सकती, मीना तुम नहीं मर सकती, तुम ही तो मेरी बेगुनाही का आखिरी सबूत हो। मीना, 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 मीना के हाथों में ये पेन था, वो कुछ लिखना चाह रही थी। खन्ना अंकल, खन्ना अंकल कुछ कीजिए ना। सॉरी अमर, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मर चुकी है। हेलो, मैं भी आती हूँ। तो इसके हाथों में पेन था, कुछ लिखना चाह रही थी, शायद असली कातिल के बारे में।
मगर इससे पहले कि मैं से कुछ पूछता, मैंने लेटर और फोटोग्राफ्स गांधी चौक के लेटर बॉक्स में डाल दिए हैं। मौसी, मैं हूं अमर। अमर, तू, तुझे यहां आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। अमर, कैसा है बेटा तू? क्या होता मौसी, बस जी रहा हूं ऐसे। पुलिस की चुंगल से जानवरों की तरह भागा भागा फिर रहा हूं, बहुत थक गया हूं। मैं सोना चाहता हूँ मौसी। सो जा। मैं सोना चाहता हूँ। सो जा। मैंने मुझे फोन करके बुलाया था। मैं तो इसके मरने के बाद तुम्हें फोन करने वाली थी, लेकिन क्या? फिर मुझे फोन किसने किया? हमने करवाया था। हाँ? वो भी इंस्पेक्टर सीमा के हाथों। मुझे जिंदा देखकर हैरान परेशान हो गई ना मौसी। वो हुआ यूं कि यहां पर आते ही तुम्हारे रिवॉल्वर से असली गोलियां मैंने बाहर निकाल ली, और नकली गोली से इंसान मरता नहीं। दरअसल क्या है मौसी, इन तस्वीरों को देखने के बावजूद तुम्हारी मक्कारी पर मुझे यकीन नहीं है, इसलिए तुम दोनों को इकट्ठा करने के लिए मुझे इन्हें फोन करके यहां बुलाना पड़ा, ताकि तुम लोगों का कमीनापन मैं अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं। साइड प्लीज। वाह मौसी वाह, खन्ना के इश्क में और पैसों के लालच में आकर तुम इतना गिर जाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इन फोटोग्राफ और लोगों के इस खत ने, जो कि उसने मीना को लिखा था, सारी हकीकत बयान कर दी के कत्ल की रात क्या हुआ था। छोड़िए ना,
छोड़िए ना, छोड़िए ना, इतनी जल्दी भी क्या है, प्लीज छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़ दीजिए मुझे भगवान के लिए, छोड़ दीजिए, मैं है, मैं जाऊँ, नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। और डॉक्टर खन्ना इस बुड्ढे को मारकर कत्ल के इल्जाम में मेरे फोटोग्राफ की मदद से उसके भतीजे को फंसाकर पूरी दौलत हड़प करना चाहते हैं। अगर उस दौलत का थोड़ा सा हिस्सेदार मैं बन जाऊं तो क्या बुरा है? गोली चली जरूर थी लेकिन मेरी रिवॉल्वर से नहीं, तेरी रिवॉल्वर से मौसी। मुझे फांसने के लिए आप लोगों ने लोबो को फोटोग्राफ लेने के लिए बुलाया, मगर वो कमीना आप लोग का भी बाप निकला। उसने आप लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए वो फोटोग्राफ भी ले ली जिसमें तू गोली चला रही थी मौसी। खून हो जाने के बाद जब मैंने अपने आप को कानून के हवाले करने की कोशिश की तो तुमने मुझसे कहा कि नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पीले, तू ऐसा मत कर, तू अपने आप को कानून के हवाले मत कर, तू कॉपी बहुत अच्छी करता ना, तू लिख। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया इसलिए कि तुम लोग दोनों चाहते थे कि मैं ना मरूं उस वक्त तक जब तक ये जायदाद मेरे नाम नहीं हो जाती। अरे रामा, व्हाट अ ड्रामा। जब इंस्पेक्टर सीमा को मैंने असलियत बता दी और मैं जेल के पीछे चला गया तब भी तुम लोगों ने नहीं चाहा कि मैं फांसी के फंदे पर झूल जाऊं, क्योंकि ये जायदाद मेरे नाम नहीं हुई थी ना, तो मुझे जेल से निकालने के लिए तुम लोगों ने वकील के साथ मिलकर एक नया नाटक किया, मुझे पागल करार कर दिया। और जैसे ही मैं पागल खाने में पहुंचा और ये जायदाद मेरे नाम हुई तो मेरे प्यारे से अंकल ने पागल खाने में मुझे जहर देकर मार देने की कोशिश की। अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए जब मैं पागल खाने से फरार हुआ और मैंने लोबो से मिलने की कोशिश की तो तुम लोगों ने लोबो को भी कत्ल कर दिया, उसके बाद मीना को भी कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा मेरी बारी आई। मुझे मार देने के बाद तुम इस जायदाद की इकलौती मालकिन बनना चाहती थी और जिंदगी भर इस खन्ना के साथ अय्याशी करना चाहती थी, मगर अफसोस लोगों के इस खत ने और इन फोटोग्राफ ने तुम लोगों की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सो माय डियर यंग कपल उर्फ लैला और मजनू, तुम लोगों के हनीमून के लिए ये हवेली नहीं बल्कि जेल की चार दीवारी है, वो भी अगर फांसी नहीं हुई तो। अच्छा चलता हूं, एसीपी चंद्रवेदी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अंकल का देख ली, आंटी का भी देखा ले, अरे मौसी का भी देख ली, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इस हरामजादे को रोको खन्ना, इसे पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। फटपटी वाले मौसी को मिलने का वादे थे। निकलो छोटे सरकार वरना लटक जाओगे। Ah!
अमर बेटे, इन दो पहियों की गाड़ी पर जाते जाते थक जाओगे, इसलिए ये लो मेरी गाड़ी की चाबी और फोटोग्राफ्स एसीपी को देकर आना और वापस आने के बाद अपनी महबूबा की लाश को लेकर जाना। तुम्हारी मदद करने निकली थी, हमने सोचा हम ही ले आए। अमर, अमर तुम मेरी परवाह मत करो, तुम चले जाओ। हाँ ठीक है जाता हूँ। अरे एक काम करो ना, अपनी चूड़ियाँ दे दो ना मुझे पहनने के लिए। हाँ? एक आध बार मदद क्या कर दी तुमने मेरी, तुम अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी। एक मिनट भाई साहब, देखो औरतों को औरतों के काम शोभा देते और मर्दों के मर्दों को, ये लो। मैंने कहा ना ये लड़कियों का काम नहीं है। जैसे पुलिस को बुलाओ, जाओ। टाइम पे रे अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नमस्कार। चला तुम यहाँ कहाँ नाच रहे? कहाँ हुआ? इनको अरेस्ट करना हमारा डिपार्टमेंट है और तुम्हारा डिपार्टमेंट हुआ है। आए वहां जाके नाचो। अरे जय बजरंगबली। मिसेस गायकवाड़, हवलदार गायकवाड़ क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? अरे हट कौन है? बे इतना भी नहीं समझता, ये रिहर्सल थी। देख मैं दूंगी, सच में तो मुझसे उधार ले और बदले में सारा संसार दे ले। यहाँ आइए मेरे साथ, जरा पीछे आइए। क्यों